प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे थे अपना ज्ञान पर्व को तीसरा, और कल हमने इसके पहले पांच प्रश्न कर लिए। आपको याद होगा हमारा जो पांचवा प्रश्न था, अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। हमने इसमें क्या किया था? जैसे कि एक उदाहरण दिया था, रुचि का अरुचि, ज्ञान का अज्ञान, सत्य का असत्य, सावधान का असावधान। आज हम करेंगे, बढ़ेंगे इसके छठे प्रश्न पे, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। तो कौन कौन से शब्द दिए हैं? तो पहला हमारा है तीर, और दो आगे वाक्य के लिए जगह दे रखा है। इसका मतलब हमें दो अलग अलग अर्थ के अनुसार इसका वाक्य बनाना है। तो ये छठा है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। पहला है तीर, तो पहला अर्थ है बाण और किनारा। इसके दो अर्थ होते हैं। बाण जो धनुष से छोड़ा जाता है उसे भी हम तीर कहते हैं, इसका पर्यायवाची बाण है, और किनारा किनारा। तो हमें दो वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य होगा वह अर्थ बाण के लिए, तो पहला जो वाक्य है हमने देखा, इसके दो अर्थ मैंने बता दिए, बाण और किनारा। वाक्य बनाएंगे हम तीर का ही, लेकिन इसका अर्थ होगा बाण। हिरण को तीर लगा। ये है, यहां तीर का अर्थ है बाण की बात की गई है। दूसरा है किनारा, नदी के तीर पर सुनहरी रेत है, यहां पे तीर का है किनारे की बात की गई, नदी के किनारे रेत होता है उसकी बात की गई। उसी तरह हमारा अगला शब्द है पत्र। तो ये था हमारा पहला शब्द था तीर, दूसरा शब्द है पत्र। पत्र के दो अर्थ हैं, पहला है आपको पता है पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है, पत्र को पत्ता भी कहा जाता है, पेड़ के पत्ते को पत्र भी कहा जाता है। तो हमें दो वाक्य बनाने हैं, हमें क्या करना है, दो वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाते समय ध्यान रखना होगा, वाक्य तो बनेगा पत्र का, वाक्य किसका बनेगा, पत्र का।
लेकिन उसमें अर्थ किसका आना चाहिए? पहले वाक्य में चिट्ठी का आना चाहिए और दूसरे वाक्य में पत्ता, पेड़ के पत्ते की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं, पहला है पत्र। रवि राहुल को पत्र लिखता है। रवि राहुल को पत्र लिखता है। दूसरा है पत्ता। रवि राहुल को पत्र लिखता है, दूसरा है पत्ता। पत्ता का है बेलपत्र। बेलपत्र से शंकर की पूजा की जाती है। शंकर, भगवान शंकर की बात कर रहा हूं, शंकर जी की पूजा होती है। बेल पत्र से शंकर जी की पूजा होती है। तो ये हमारे दो हमने वाक्य बनाए। तो पहला वाक्य था वो चिट्ठी के लिए किया गया, दूसरा जो पत्र हमने लिखा वो पत्ता के लिए लिखा है। तो इसको एक बार ध्यान से आप नोट कर लेंगे, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और इसमें प्रश्न, ये शब्द बचा है अंबर, तो मैं इसको मिटा करके लिखता हूँ। हमारा तीसरा जो है वो है अंबर, शब्द तीसरा है अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। आसमान हम कह सकते हैं। दूसरा अंबर है कपड़ा। कपड़ा को भी अंबर कहा जाता है। तो वाक्य बनाएंगे अंबर का ही, और उसमें अर्थ आकाश का आना चाहिए। पहले वाक्य में उसका अर्थ क्या आएगा? आकाश का आना चाहिए। और दूसरे में अंबर का अर्थ कपड़ा के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं अंबर में बादल छाए हैं। बादल छाए हैं। दूसरा है श्री कृष्ण या कृष्ण अंबर धारण करते हैं या पहनते हैं। अगला है, तो ये हमारे हमने तीन शब्द दिए थे, तीर, पत्र और अंबर। हमने उसका वाक्य में प्रयोग किया है दो अलग अलग अर्थों के साथ। अब हम अपने सातवें प्रश्न पे चलते हैं, सही शब्द पर घेरा लगे। यहाँ पे चार शब्द दिए गए हैं, चार में से तीन विकल्प गलत हैं। हमें सही शब्द की पहचान करनी है।
तो हम क्या करेंगे, सही शब्द की पहचान करेंगे और सही वाले शब्द पर घेरा लगा देंगे। तो ये हमारा है सातवां प्रश्न, मैं इसको मिटा देता हूँ और लिखते हैं हम चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सही शब्द पर घेरा लगा तो हमें यहां वर्तनी संबंधित जो शब्द हैं, सही वर्तनी की पहचान करनी है और सही शब्द की हमें पहचान होनी है और हम उस पर घेरा लगाएंगे। तो पहला हमारा है क, ये हमें पहले ही करके दिखा दिया है, करके दिखा दिया गया है किस तरह करना है। इसमें आपको चार शब्द मिलेंगे, जैसे अभी हम लिख रहे हैं चिन्ह, और इसमें से ये एक ही सही वर्तनी है, बाकी गलत है। तो ये तो बहुत आसान था, हम लोग पहचान ही गए हैं कि सही कौन सा है और बाकी तीनों गलत हैं। तो सही शब्द है चिन्ह, ह हलंत होता है चिन्ह में, क्यों? क्योंकि ह आधा होता है, बाकी जगह हमने देखा है यहाँ पे आधा न दिखाया गया, न तो पूरा होता है चिन्ह। तो इसी तरह करते हैं। अगला हमारा दूसरा शब्द है वो है ख, संबंध, संबंध संबंध संबंध। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं, ग और घ को भी लिख लेते हैं, फिर हम एक साथ इसे करेंगे। ग जो है हमारा सामाजिक, सिक्स में सामाजिक 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 फिर चौथा हमारा है विश्वास 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 तो ख पे चलते हैं। ख भाग जो है संबंध,
हम उच्चारण से भी सही शब्द का पहचान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उच्चारण सही हमें पता है किसी शब्द का, तो उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है। तो संबंध संबंध संबंध, तो ये सबसे सही है संबंध। सामाजिक 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 तो होता है सामाजिक, पहला वाला ही सही है, इसे घेरा लगाएंगे। विश्वास 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 तो विश्वास आधा होता है, हम इसे घेरा लगाएंगे। अगला है हमारा वाक्य को शुद्ध करके लिखना, आठवां है। वाक्य दिया हुआ है, हमें शुद्ध करके लिखना है, तो मैं केवल शुद्ध वाक्यों को ही लिख रहा हूँ। मैं वाक्य को शुद्ध करके लिख रहा हूँ, पहला आठवां है। शुद्ध करके वाक्य लिखो, तो हमें वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है, पहला हमें उदाहरण के तौर पे दे दिया गया है, तो ये दो उदाहरण था, इसको हम समझ लेते हैं। बड़े बहन जी आ रही हैं, तो बड़ी होता है, बड़े नहीं होता है। बड़े बड़ी बहन जी आ रही हैं, तो बड़े हम पुल्लिंग के साथ लगाते हैं, बड़ी स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगाएंगे, तो इसीलिए बड़ी बहन जी आ रही हैं। ये तो हमें खुद उदाहरण पे करके दिखाया है। दूसरा है, तुम सब कहाँ गया था। तुम सब, इसका मतलब है बहुवचन। तुम सब कहाँ गए थे, तो था एक वचन के लिए आता है, ये मैं उत्तर ही लिख रहा हूं। पहला तो हमने उदाहरण के रूप में कर ही लिया है। दूसरा है, तुम सब कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। तो मैंने इसे सही कर दिया, तुम सब कहाँ गया था। गया था जो होता है एक वचन के लिए लगाते हैं, यहाँ सब का है, बहुत से लोग हैं, एक से अधिक है, तो वहाँ पे हम थे का प्रयोग करेंगे। तीसरे वाक्य पे चलते हैं, उत्तर थी हमारा पहले वाक्य क्या था गलती इसमें, मेरे को किताब चाहिए, मेरे को नहीं होता है, मैंने आपको बताया था मुझे, मेरे को नहीं मुझे किताब चाहिए, तो इसे सही करके लिखते हैं, मुझे किताब चाहिए, मुझे किताब चाहिए। चौथा है, तीन तोते पेड़ पर बैठा है, तो तीन तोते हैं तो बहुवचन है, बैठे हैं होना चाहिए, बैठा है नहीं, बैठा है तो एक वचन के लिए आता है, तो हम लिखेंगे तीन तोते पेड़ पर बैठे हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, तीन तोते पेड़ पर बैठे हैं, बैठा है एक वचन में हम प्रयोग करते हैं, अगर एक तोता होता तो बैठा है लिखे, लेकिन बहुवचन में हम कहेंगे तीन तोते पेड़ पर बैठे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना है।
शेष हम कल करेंगे।